तुम मुझे जन्नत के बागों में मिलना, मैं अपना इश्क जाहिर करने के लिए तुम्हें सूरह रहमान सुनाऊंगा। और हाँ गाइज, अभी बज रहे हैं 2 और अचानक से ये मूड बना है कि चलो चलते हैं मुंद्रा, क्योंकि हमारी शॉपिंग नहीं हुई है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं आई है मेरी, तो हम जा रहे हैं लेने के लिए। तो देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। अब ये टेंशन है कि अभी खुला होगा, हाँ खुला तो होगा क्योंकि अभी बड़े बड़े रोजे स्टार्ट हो चुके हैं, तो देखते हैं कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा मम्मी लोग बोलते तो है कि मतलब जैसे जैसे रोजे कम होते जाते हैं ना, वैसे कपड़े की जो डिज़ाइन है वो नहीं बचती है, लोग ले लेते हैं और कुछ अच्छा नहीं बचता है ऐसा। तो वही सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम निकल रहे थे तो घर वाले बोले इतनी रात में तुम लोग जा रहे, और शायद हो सकता है कि अपनी सहरी भी उधर ही हो। लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा रात में मैं और हाइफा कहीं निकले हैं। इंशाल्लाह शॉपिंग भी कर लेंगे, हाइफा को अगर वहाँ उनका ड्रेस पसंद आएगा तो वो भी ले लेंगे, मुस्सू के लिए भी कपड़ा लेना है, फिर एक दो जन और जिशान भाई लोग ने भी बोले कुछ लेने के लिए, तो जो जो मिलेगा वो लेते। अब अच्छी तरीके से ना धूप है ना कुछ है, मुमरा में एक्सप्लोर करेंगे और पूरी शॉपिंग करेंगे। बराबर, एक्साइटेड? यस। ठंडी लग रही है? नहीं। तो गाइस, अभी हम जूस पीने आए हैं और काशी बोला चलो तुमको जूस पिलाता हूँ, तो हम मौसम्बी का जूस पीते हैं। यहाँ पर मौसम्बी के साथ साथ बहुत सारे जूस रहते हैं, ठीक है? नहीं, लेकिन पीना है अगर तो मौसम्बी का भाई, मौसम्बी का जूस कर दो। और क्या है अपने पास? केला का जूस? नहीं नहीं, सिर्फ मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ। सो गाइस, हम मार्केट में घूम तो रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही। हम एक शॉप में गए थे, वहाँ पे इतने सारे ड्रेसेस देखे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम ऐसे ही आ गए। काशी बोलते कि तुम कुछ देखो, तो तुम ये माइंड सेट रखोगे कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा तो पसंद कैसे आएगा। लगता है हाइफा ने शहरी बाहर कराने का इरादा कर लिए। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो ये वजह से मैंने, चलो देखते अभी मिलता है क्या नहीं मिलता है। सो गाइस, कपड़ा तो मिला नहीं हमें, तो हम लोग थोड़ा समर वेयर ले रहे थे, तो मुझे जो टी शर्ट ऐसा अच्छी ये वाली है, भैया ने पैक करके मुझे दे दी है, ये वाली बहुत अच्छी थी, तो हम लोग ने ये ली। अच्छी कंफर्टेबल थी ना? एकदम कंफर्टेबल है। हाइफा का बोलना है रात में 3:30 बजे काशिफ सब दुकान बंद कर रहे, कुछ मिल रहा ही नहीं है, और जो लोग दुकान बंद कर रहे गाइस, यकीन मानो अगर वो खुली भी रहते तो हाइफा उनके वहाँ से कपड़े नहीं लेते। तो मैंने उनको यही कहा कि हाइफा जो बंद कर रहे हैं वो अगर खुले रहते तो तुम उनके पास जाते। और हाँ, लाइक जो बुटीक में या जो शोरूम में हाइफा को जाना है वहाँ जा रहे है, 10 ड्रेस देख रहे हैं लेकिन पसंद एक भी नहीं आ रहा उनको। अभी एक ब्लैक ड्रेस मुझे पसंद आया है, अभी देखते हो क्या कहते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काशी जिद कर रहे हैं, हमने एक ड्रेस देखे है ब्लैक कलर का, काशी जिद कर रहे हैं वो ले लो, लेकिन मुझे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा है कि नहीं काशी हम और देखते हैं, क्योंकि हमने गोवंडी में देखे थे, वहाँ मुझे वो ड्रेस जो था वो एकदम रीजनेबल था, ये वो यहाँ बहुत ज़्यादा ही प्राइस है, तो मुझे वो वर्थ नहीं लगा। और हम अभी आए हैं मुस्तू के लेने। यस, भाई ने बोला है मुझे कि हाइफा जाके देख ले मुस्तू के लिए, क्योंकि हमने तो ले चुके हैं मुस्तू का कपड़ा, तो भाई बोला है कि चल देख लेते। डंगरी में कुछ है क्या? डंगरी नहीं है। अच्छा ठीक है, दिखाओ क्या है, तो चलो देख लेते। मुझे ऐसे कि मुझे उसको डंगरी पिनाना है, वैसे तो उसको मैंने डंगरी बहुत पिनाई हो, लेकिन फिर भी अभी वो बड़ा हो गया है, तो मैंने मुस्तू का भी ड्रेस ले लिए है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। दिखाया काशिफ, दिखाएंगे, चलो दिखाते। गाइस ये देखो, काशिफ दिखा रहे, खोलो खोलो ना, दिन देखना है। अरे खोलो, इतना ही था दिखाने का काशिफ ने, तो चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको। आप लोग जब भी जो भी देखेगा मुस्तू का कपड़ा ये वाला जो अभिरेश भाई की तरफ से, वो इंशाल्लाह ईद के दिन देखना, क्योंकि हमको तो बहुत पसंद आया गाइस। और आए थे हाइफा का कपड़ा लेने, मुस्तू का हो गया, मतलब पहले बच्चे फिर अम्मा, तो भी अब हाइफा के ले जाएगी। सो गाइस, हम निकल गए हैं घर के लिए, मेरे लिए आज फिर से कुछ
जाने हैं। मेरे को लगता है गाइस कि मुझे कम से कम एक साल तक हाईफाई ये चीज सुनाएंगे, और अभी पूरा ढूंढने के बाद आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है ना तो ये मत सोचो कि हमें आगे जाके इससे अच्छा मिलेगा गाइस। बराबर है गाइस, मैं काशिफ को समझा रही हूँ, औरत हमेशा सही होती है। ठीक है, सारे बुटीक सारे कलेक्शंस के वहाँ जाके आ गए, हाइफा को कुछ भी पसंद नहीं आया, साला कोई अच्छे कपड़े रखते ही नहीं बेचारे, हाइफा को अच्छे ही नहीं लगे। ठीक है गाइस, तो इंशाल्लाह हाइफा की इतनी शॉपिंग कंटिन्यू रहेगी। अभी हम जा रहे हैं घर, हल्की हल्की ठंडी है, जब से पूछा था तो हाइफा मना कर रहे थे, अब हाइफा बोलते नहीं ठंडी है। अब हाइफा ने मुझे कहा कि काशिफ क्या सुनाओ कुछ अच्छी, और रमजान है गाइस तो हम कैसा थोड़ी अलग शायरी नहीं बोल सकते, थोड़ी प्यारी शायरी बोलेंगे। और अगर आपको अच्छी लगेगी तो जरूर ये वीडियो को शेयर करना, ठीक है हाइफा? तो ये तुम्हारे लिए, ठीक है? तुम मुझे जन्नत के बागों में मिलना, ठीक है? तुम मुझे जन्नत के बागों में मिलना, मैं अपना इश्क जाहिर करने के लिए तुम्हें सूरह रहमान सुनाऊंगा। समझ रहे? वो जगह ऐसी होगी जहाँ पर इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल सब जिससे प्यार करते हो उनका नसीब उनके साथ होगा, और इश्क जाहिर करने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगता कुछ रहेगा गाइस। ठीक है, तो आप लोगों को ये कैसी लगी, और सबसे मेन हाइफा आपको कैसी लगी, आप लोगों को कैसी लगी गाइस जरूर बताइएगा। हम घर जा रहे हैं, उसके बाद कुछ करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं और आप लोगों को अभी अभी एक मेरा समर चल रही है, जैसे समर वेकेशन, तो मैंने एक टॉप ली हूँ ढीला ऐसे, और मुस्तफा कपड़ा बस। और हाइफा ने आप लोगों के लिए मुझसे लड़ा बाइक पे अभी कि अगर मेरे सब्सक्राइबर से छुपाओ मत काशिफ, या मुस्तफा कपड़ा दिखा दो व्यूअर्स को, देखेंगे तो लोग भी एक्साइटेड रहेंगे कि मुझको अब कैसा लगेगा या कब पहनाएंगे। तो इंशाल्लाह शायद घर जाने के बाद आप लोगों को मुस्तफा कपड़ा भी दिखाएंगे। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप लोगों के प्यार के आगे हम मेरी बात नहीं रह पाई, हाइफा ने मुझे समझाया कि मैं मेरे सब्सक्राइबर को सब दिखाती हूँ काशिफ, तो अब हाइफा आपको कपड़ा दिखाएगी मुस्तु का, बहुत प्यारा है, आप लोगों को कैसा लगेगा आप वो भी बताना। ठीक है, सो गाइस ये देखो, जैसे कि डब्बा तो आप लोग देखिए, डब्बा ये है मुस्तु का ड्रेस। ओहो, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, गर्मी है, ये कितना क्यूट लग रहा है, एकदम छोटू सा, मेरे मुस्तू की तरह छोटू सा। सो गाइस मुस्तू आपको कैसा लगा? कैसा लगा? अरे वाह, अच्छा मुस्तू जाओ मम्मा को पा दे दो, एक जाओ मम्मी को पप्पी दे दो, नहीं मुंह में मत डाल, नहीं ना पप्पी दे दो मेरा बेटा। अच्छा तुमको कैसा लगा? है ना मम्मी, आपको भाई बोलता वेटर दिखा, नहीं नहीं अभिषेक भाई बोले ना, बहुत मस्त है ना, फॉर्मल है। मम्मा दिखान तो दो, आपका है, ठीक है आपका है, मुझे भी पता है। आ रहा ब्रो, आ रहा, अब भी कट कर रहा हूँ। बच्चों का अगर ये होने के बाद में ऐसा दिखेगा गाइस पहनने के बाद में, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। मुझ तू पहनेगा तो कितना हैंडसम लगेगा। अच्छा मुझसे अब एक काम करो, मुझ दे दो, मेरे को दे दो, मेरा है। बोलो नो नो। अच्छा तो फिर एक बार डैडा बोलो, मुस्तु डैडा आई लव यू, आई दो बार तीन तीन बोले डैडा बोलते हो। अच्छा मुस्तु डैडा, जल्दी आई लव यू, जीजू डैडी। हाँ कभी माँ बोला था? अच्छा मम्मा बोल दो, मम्मा याद आते थे को, मम्मा नहीं याद आती, मम्मा मामा। मामा। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये कपड़ा? लगता नहीं इतना लग मुस्तफा बचाएगा। ठीक है, अभी तुम इसको पहले पैक करके रख दो वापिस, इंशाल्लाह ईद पे पहनाएंगे इसको। सो गाइस हम लोग जैसे कि अभी निकल गए, नेक्स्ट डे हो चुका है, भाई के साथ में हम जा रहे हैं, भाई जीशान में काशिफ हम लोग सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी शॉपिंग नहीं हुई है, हमारी नहीं मेरी नहीं हुई है शॉपिंग,
तो भाई अपने काम से जा रहा है। ड्रेस आ चुके, मेरे 18 ड्रेस आ चुके बराबर। तो चलो जाते हैं ड्रेस की जो भी शॉपिंग आज हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मुस्तजाब को भी हम घर छोड़कर आए हैं, मम्मी के पास में है मुस्तजाब, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ काम भी था तो वो वजह से हम आए हैं, तो वो फटाफट से निपटा लेते हैं और फिर जाएंगे वापस से। तो चलो इसी के साथ व्लॉग में यहीं एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।